फरीदाबाद में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा आईआईटी दिल्ली रुड़की के माध्यम से सर्वे कराते हुए व्यवस्थित ढंग से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचागत विकास करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री शनिवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम से संबंधित परिवादों की सुनवाई उपरांत आमजन को जानकारी दे रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से 12 परिवाद का निपटान मौके पर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी टीम के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रक्चर वेल लेवलिंग की जाँच की जाएगी और जहाँ सुधार किया जाना है या विकास योजनाओं के तहत नया स्वरूप दिया जाना है, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सिस्टम के साथ जनसेवा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की रूपरेखा बनाते हुए सड़क निर्माण, जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थापूर्ण प्रबंध मास्टर प्लान के तहत होंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम, सड़क तंत्र सहित पेयजल व्यवस्था के अनुरूप डिजाइन फाइनल करते हुए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा। बैठक में जल प्रबंधन पर पूरा फोकस रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आमजन से अपील की गई कि जल संरक्षण पर ध्यान देना समय की जरूरत है। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। वासी मित्रों को नमस्कार। सबसे चंद्रयान नहीं है, आदित्य एल वन। सबसे पहले तो मित्रों, आपके माध्यम से मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य एल वन इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है, जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत, यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेनिंग का, ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था, तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं, तो मिल करके और समन्वय बैठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया, वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें और नहीं अगर होते हैं, वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ़ FIR कराएंगे DR, ऐसा एक। इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था डिले हुआ है, तो पुलिस की एक SIT बनाएगी, नए हमारे CP सब आ गए हैं तो वो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज़ करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में, क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई, तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद, अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ, इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी।
अगर आपने सुना हो तो कल मैंने उसकी एक बाइट दी है और वो बाइट सब जगह मीडिया में चली है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि देश में जैसे आज़ादी के समय एक समय में ही इलेक्शन सब होते थे, कुछ वर्षों तक चलते रहे लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसमें से परंपरा टूटी, फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन करके अगर आता है तो बहुत बड़े लाभ इसके होने वाले हैं। इसके लिए मैंने उसका स्वागत किया है और मैंने अपनी बाइट भी दी है। अब चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे ये काम चुनाव आयोग का है, अगर चुनाव आयोग एक साथ भी करता तो हम उसके लिए तैयार हैं। सीएम साहब, एक तरफ आपने कई सारी जो समस्या है वो ग्रीवेंस में खत्म करेंगे, दूसरी तरफ बड़ी सौगात फरीदाबाद को दी है करोड़ों रुपए की, क्या सौगात है, कितना फायदा मिलेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं परंतु शहर के अंदर अवैध कॉलोनियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आपने कहा था कि जो पुरानी है उन्हें पक्की करने के बाद अगली कॉलोनियों पर रोक लगेगी, बावजूद इसके फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों की भरमार लग रही है, देखिए जहाँ तक कॉलोनियों का पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी, लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को एक एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी, हमने सारे हरियाणा में लागू किया है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने एतराज़ भी कि हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। हमने यही कहा कि पहले वाली कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव होने के बाद रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी लेकिन नई कोई कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियाँ कहीं होती हैं, आप हमको थोड़ा सा किसी भी माध्यम से संकेत करिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर करिए, हमारे मंत्री जो करिए, हमें जानकारी मिलते ही ऐसी नई कॉलोनी जो है बनने के लिए बिल्कुल हम रोकेंगे, कोई कॉलोनी नहीं बनने देंगे। हाँ, गरीब आदमियों को मकान मिले इसके लिए हमने प्लानिंग भी बनाई है। अभी हमारे पास जो हमारा बोर्ड था हाउसिंग बोर्ड के अंदर लगभग 8,500 मकान बताया थे, वो 8,500 मकान जो पड़े हैं गरीब आदमियों के लिए ही हैं, उसके लिए बहुत जल्दी एक योजना बना करके हम एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं, जो लोग उसके अंदर इच्छुक होंगे लेने के लिए उसको ले लेंगे। और नए मकान लगभग 1,00,000 नए मकान ये भी HSVP विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाएगी, जो भी उसमें गरीब लोगों के अंतर्गत पात्र होंगे या जो उसको पहले खरीद सकेंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे, हम तो गरीब आदमी के सिर पर छत ज़रूर हो इस नाते से ये सारी योजनाएं बना रहे हैं।